back to my YouTube channel Bhagya Jalo, and let's start today video. जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा उनके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, और वो सब मेन चीज़ उनका यही होता है कि वो वहाँ पर अपना जो मैनेजर है वो अपने आप पर किस तरह सेटअप चलाएंगे। तो जो आज का वीडियो जो उसका टॉपिक है यानी लिविंग एक्सपेंसेस इन इटली, तो ये इसका जो इटली में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करती हैं इसकी नॉर्थ और साउथ साइड पे। तो हम जो हैं इसके नॉर्थ साइड में थोड़े एक्सपेंसेस कम हैं, साउथ में ज़्यादा। तो मैं आज जो मेनली कवर करूंगा वो हमारी मिलान सिटी होगी कि मिलान सिटी में जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अभी मिलान में रह रहा हूं, मुझे इसका आइडिया ज़्यादा है कि मिलान में हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। तो इसमें सबसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें किस किस किन चीज़ों के एक्सपेंसेस होते हैं। तो मेन ये कि सबसे पहले तो हमारा जिसका ज़्यादा एक्सपेंस होता है वो अकोमोडेशन का होता है। सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है ग्रोसरी फूड, ठीक हो गया। एंड थर्ड वन पे आपका जो आप अदर एक्सपेंसेस लगा ले जिसमें आपका रिचार्ज एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं, एंड अदर थिंग आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो एक्सपेंस होता है। तो सबसे हम अकोमोडेशन को डिस्कस करते हैं, तो अकोमोडेशन भी वेरी करती है कि अगर आप मिलान सेंटर में रह रहे हैं तो उसका एक्सपेंस और होगा, एंड अगर आप मिलान से थोड़ा सा हट के उसके आउटसाइड में रह रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम होता है, पर इतना भी कम नहीं होता। वो जो मिलान में अकोमोडेशन होते हैं वो वेरी करती है 200 यूरो से 400 यूरो तक जो है ना वेरी करता है। और अगर आप मिलान के पास जो एरियाज हैं उनमें मूव कर जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो 150 से 300 यूरो के दरमियान होता है। तो अगर आप एवरेज लगाएं तो वो आपका 200 यूरो अकोमोडेशन पर मंथ जो है ना वो होता है। हमारी है वो ग्रोसरी की होती है, तो इसमें जो ग्रोसरी की आइटम फूड आइटम्स का अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास जो एक्सपेंस होता है वो होता है 100 यूरो से 150 यूरो। इसमें ये है कि आपका अगर 100 यूरो भी है तो 70 से 80 यूरो आपके जो है स्पेंड हो जाते हैं आपके फूड आइटम्स पे, जो आप खाना जो खा रहे हो उस पर कि आप किस जगह उसको स्पेंड कर रहे हो। ये इससे इंक्रीज भी कर जाता है, वो आपकी चॉइस पे है कि आप किस तरह अपनी फूड आइटम्स को मैनेज करते हो। बाकी जो 20 से 30 यूरोज हैं वो स्पेंड हो जाते हैं आपकी ग्रोसरी आइटम्स लाइक जो आप सोप इस्तेमाल कर रहे हो, जो वॉशिंग के लिए आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों के यानी 100 से 150 यूरो के राउंड अबाउट ये भी आपका एक्सपेंस आ जाता है। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस ये हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो कार्ड बनाए जाते हैं। तो कार्ड में ये होता है कि आपके लिए जैसे मिलान में जो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं तो उनके लिए कार्ड बनता है पर ईयर 70 यूरो का। तो उसमें ये है कि आपके पास जो उसकी मेट्रो है और ट्रेनॉर्ड की कुछ स्टेशन है वहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेंगे और उसी कार्ड पर आप ट्रैवल करेंगे, वो आपको 70 यूरो पर ईयर होता है। अगर आप नहीं तो वो आप 35 यूरो पर मंथ जो है ना आप लगा लें, आपका एक्सपेंस आ जाता है ट्रांसपोर्ट पे अगर आपके पास कार्ड नहीं है। तो ये बेनिफिशियल तो यही है कि जब हम मिलान में रह रहे हैं तो हमारे पास वो कार्ड हो, ट्रैवल कार्ड, ताकि हमारा जो ये 70 यूरो ये पर ईयर, तो ये जो है ना बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हमारा ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी अदर एक्सपेंसेस जिसमें मैं बता रहा था कि 10 यूरो का जो पर मंथ रिचार्ज होता है, जैसे यहाँ पर वोडाफोन है और टिम है और अदर जो भी सिम्स चलती हैं तो उनका पर मंथ जो रिचार्ज होता है वो 10 यूरो होता है, जिसमें आपके पास
इटालियन जो कॉल्स हैं वो तो अनलिमिटेड होती है, एसएमएस होते हैं, इंटरनेशनल 300 टू 500 कॉल्स होती हैं, एंड आपका जो 5 GB इंटरनेट होता है ये एक्सपेंस है। और इसी के बाद आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा लें इसके, एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं जैसे 30 to 40 euro जिसमें आपने कोई आउटिंग की है, किसी होटल पे गए हैं इस तरह, या कोई शॉपिंग कर ली है, तो ये आपके इस तरह जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो 30 to 40 euro हम काउंट कर लेते हैं। मेन आपका अकोमोडेशन ही है, अकोमोडेशन आप किस तरह, और अकोमोडेशन के हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ, अकोमोडेशन ये सेपरेट नहीं मिलती इतने में, 150 या 200 से 250 में। ये शेयरिंग अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ही रह रहे होते हैं, तो वो काफ़ी कोई मसला नहीं, तो ये शेयर हो जाता है, जिसमें रूम सेपरेट होता है और आपका किचन और वॉशरूम कॉमन रहता है। तो ये थे लिविंग एक्सपेंसेस, अगर हम इनको टोटल काउंट करते हैं अगर पाकिस्तानी रुपीस पे भी, तो ये हमारे पास जो मंथली हैं वो 60 to 70 thousand के करीब, ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो एक्सपेंस हमारा आ जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है कि ये इधर का एक्सपेंस मैंने आपके साथ लिविंग एक्सपेंस शेयर किया, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें, एंड मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पे न्यू है जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।